गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर आईवीएफ, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रांसफर, मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों का बांझपन और नील स्पर्म काउंट में काम करते हैं। और गर्भस्थ शिशु में और होने वाले बच्चे में जेनेटिक रोगों का जाँच, उसकी रोकथाम में भी बहुत काम करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें हम YouTube कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस को लेके उनका कोशिश करते हैं कि जवाब दें जो आपको आपके घर बैठे आपको लाभ पहुंचा सके। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, क्या करना चाहिए? मैं मिसकैरेज के वीडियोज कई बार बना चुका हूँ। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो कि अब लोग फॉलो भी करने लगे हैं कि जो मिसकैरेज होता है वो मिसकैरेज बेसिकली जो भ्रूण जो प्रेगनेंसी होती है वो ये मेल में पुरुष है और ये फीमेल है, इनके दोनों के सीड के मतलब इसके यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ से अंडा आया एग, ये दोनों यूनाइट होके ही एक भ्रूण बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनता फिर भ्रूण बनता है। अब यदि ये बच्चेदानी में बैठा और नहीं पनपा या गिर गया या ग्रोथ नहीं हुई तो ये जो डिफेक्ट है वो इसके भीतर, ये जांचना बहुत जरूरी होता है। इसको जेनेटिक टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बोलते हैं। ये तो चला गया पर इसमें क्या खराबी थी वो यदि आप एक बार देखें, ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही करें, पर 2-3 बार जब एबॉर्शन होते हैं तो ये मेडिकल एबॉर्शन करके ये प्रोडक्ट तो लॉस हो गया, अब मिलेगा ही नहीं। पर मैं कोशिश करता हूँ डीएनसी करके या मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एमआर सिरिंज से इसको निकाल के इसका, इसमें जो डिफेक्ट आएगा जेनेटिक फिर इसमें खोजना है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण ये कैरियर बैठे हैं और ये बना रहे हैं जो प्रेगनेंसी को, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये खराब बन रहा है, तब हम ये कारण पे पहुंच सकते कि ये कुछ ऐसा डिफेक्ट नहीं आ रहा जो इनसे हो रहा है। दूसरा, जो जांचें होती हैं हस्बैंड वाइफ की जो प्रेगनेंसी क्रिएट कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी जांचें कराना चाहिए 3-4 एबॉर्शन के बाद में, जिसमें कैरियोटाइप इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेनेटिक और बायोकेमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जरूरत पड़े तो स्पर्म डीप डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करते हैं, हम एक हिस्टोस्कोपी भी करते हैं। कुल मिला के हमें कोशिश ये रहती है कि हम रिपीटेड मिसकैरेज का कारण खोजें, क्या कारण खोज के हम उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं कि नहीं वो पता करना चाहिए। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 5 मिलीमीटर से ऊपर नहीं आती, ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक होता है, ये मैं भी फेस करता हूँ। एंडोमेट्रियम का जो ये जो बच्चेदानी है जब हम इसको नापते हैं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 मिलीमीटर से 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, इससे ऊपर होनी चाहिए। अब यदि ये 5 मिलीमीटर है तो इसका टेक्स्चर कैसा है, कैसा दिखता है अल्ट्रासाउंड में, कैसा दिखता है? ऐसे केसेस में हम लो डोज एस्पिरिन या फिर पीआरपी से इसको ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं देख के बता सकता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, यदि ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है कि नहीं। इसका कलर डॉपलर देखना चाहिए, इसमें फाइब्रोसिस तो नहीं है, ये बढ़ सकता कि नहीं बढ़ सकता। तो एंडोमेट्रियम का एक इंटरनेशनल एंडोमेट्रियल एक एसोसिएशन है, उसके हिसाब से एक मॉर्फोलॉजी का भी हम देखते हैं कि कैसा रहता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग से एम्ब्रियो को कोई नुकसान तो नहीं होता? एम्ब्रियो फ्रीजिंग से एम्ब्रियो का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग इतनी आजकल स्टैंडर्डाइज्ड हो गई है कि आप यदि उसको प्रोटोकॉल वाइज और अच्छे मीडिया में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या मीडिया इस्तेमाल करते हो, मतलब आप एम्ब्रियो को किस में रख के फ्रीज कर रहे हो और आपका फ्रीजिंग का टेक्निक कैसा है। तो हमारे यहाँ पर जो फ्रीजिंग होके मैडम जो करती हैं, ईशानी भी करती है, वैसे की वैसे ही एम्ब्रियो 99% वैसे ही रिवाइव हो जाते हैं और अच्छी प्रेगनेंसी होती है। क्या कॉम्पैक्ट एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी होती है? कॉम्पैक्ट एम्ब्रियो से भी प्रेगनेंसी होती है, कभी भी यदि D3 क्रॉस कर लिया और मोरूला के बाद में यदि कॉम्पैक्शन में चला गया तो कॉम्पैक्ट एम्ब्रियो आप ट्रांसफ़र जरूर करना चाहिए यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। और कॉम्पैक्ट यदि आपको लगता है कि फ्रीज करना है तो फ्रीज करना चाहिए, कई बार कॉम्पैक्ट एम्ब्रियो को हम फ्रीज करके जब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। सर, ओबम पिकअप कैसे होता है? ओवम पिकअप कैसे होता है? ओवम पिकअप का एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, वैसे पहले भी बना हुआ है। ओवम पिकअप एनेस्थीसिया में होता है। ओवम पिकअप के लिए
ये अंडाशय है और ये योनि है। पेशेंट एनिस्थीसिया में रहती है, इसका मतलब पेशेंट को दर्द नहीं होता। आईवीएफ को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता है कि बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत ऑपरेशन होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये बेहोशी में होता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, आप 15-20 मिनट क्या एक घंटे डेढ़ घंटे बाद घर जा सकते हो। ये जो अंडे इसके भीतर फॉलिकल के भीतर जो अंडे रहते हैं, इनको निकालने के लिए एक नीडल से हम बाहर निकाल लेते हैं सोनोग्राफी की मदद से। इसमें ब्लीडिंग थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है, इसको करने के बाद थोड़ा सा भारीपन लग सकता है पेट में, क्योंकि यदि ज़्यादा अंडे बने तो थोड़ा बहुत भारीपन लग सकता है, जिसके लिए आप कॉम्बीफ्लेम या दर्द निवारक कोई भी दवाई ले सकते हो। तो ओवम पिकअप एक ओपीडी प्रोसीजर तो नहीं बोलूँगा, हम ओटी में करते हैं, डीप सेडेशन में करते हैं, कोई स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के कोई एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, केवल नस से ही दवाई दे के सब काम हो जाता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी कोशिश रहती है कि आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए हम आपको प्रेरित करें, ताकि चैनल की लोकप्रियता बढ़े और ये और अच्छे से देखा जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।